गंदा पानी बाहर आता था। इन्होंने बस क्या करा, इस मतलब पूरे जगह को इस बड़ी मशीन के थ्रू आगे से ब्लॉक कर दिया ताकि सारा पानी कहीं और ही निकल जाए, और इस वाली टनल को पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया। मतलब अभी हम लोग प्रिजन के अंदर जा रहे हैं एक घटिया पुराने सीवर के थ्रू। भाई सचमुच में इन्होंने टनल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लिया है, और ये बहुत ज्यादा बड़ी टनल है। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं बाहर से लोग मुझे बंद ना कर दें। मतलब अगर मैं यहाँ बंद हो गया तो एक तरीके से मैं प्रिजन में बंद हो जाऊंगा। ये जगह भी सीधा प्रिजन ही जाने वाली है। बट ये टनल कितनी लंबी है मुझे कोई आइडिया नहीं, कहीं अचानक से सामने से पानी ना आ जाए भाई। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं टनल में धीरे धीरे करके काफी ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ, और वो जो बैक साइड है ना जहाँ से हमने एंट्री करी थी इस टनल में, वो जगह मुझे यहाँ से नजर भी नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर कितनी बड़ी टनल है यार ये, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल यहाँ पर सामने आगे को एक कट है जो कि टर्न हो रहा है, और वेट, सामने मुझे कोई तो लेटर नजर आ रही है, और शायद से यही है इस टनल की एग्जिट। अगर मैं इस लेटर के थ्रू बाहर निकलता हूँ तो शायद से मैं प्रिजन के अंदर एंटर कर जाऊंगा, और अगर कोई भी प्रिजन गार्ड यहाँ पर नहीं हुआ तो अपना काम हो जाएगा। हम लोग ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहीं से चुपचाप से एस्केप करवा लेंगे, कोई पुलिस से फाइट नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, और अपना सारा काम हो जाएगा। लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस शाफ्ट से बाहर, और एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो ये कितनी ज्यादा खतरनाक एलिवेटर शाफ्ट है। हम लोग बाहर आ गए, और ये कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है, मतलब कुछ ऐसा देखने में लग ही नहीं रहा है कि इधर कोई सीक्रेट टनल का भी रास्ता है। फिलहाल हाँ, अभी मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, रात का टाइम है, और ये सारे के सारे अलार्म ऐसे हो रहे हैं कि अगर हल्की सी गलती हुई नहीं कि कुछ इस तरीके से बजने लग जाएंगे और अपनी बैंड बज सकती है। तो मुझे मेनली ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिजन गार्ड मुझे देख ना ले। फिलहाल यहाँ पर कोई भी प्रिजनर मुझे नजर नहीं आ रहा है, शायद सारे के सारे सो जाते होंगे रात में। बट हाँ, मेरे को जाना है सामने की तरफ, यहाँ पर कवर लेकर देख लेता हूँ कि कोई भी, वेट, मैं सोच रहा था कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा एक्टिव नहीं है इतनी रात को, बट एक अभी अभी इस दरवाजे से निकल कर जा रहा है। वैसे ये जहाँ पर जा रहा है मुझे भी वहीं जाना है, तो चुपचाप से ना बस ये पीछे को मुड़कर ना देखे, मैं साइड साइड ना आराम से निकल लेता हूँ। पहले भाग के जाके इसके पीछे कवर ले लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर कवर ले लेता हूँ, उसने अपना डॉग भी साथ में रखा हुआ है। भाई पता चला, उसको नहीं पता चला लेकिन उसके डॉग को पता चल गया, क्योंकि वो हर तरफ यार सूंघते हुए चल रहा है उसका डॉग, कि कोई बाहर का बंदा आया तो वो, वेट भाई, उसके डॉग से मुझे ज्यादा डर लग रहा है इस टाइम पर। ओके, तो फिलहाल ये जो गार्ड है काफी ज्यादा आगे जा चुका है। मुझे इस टाइम ना वो जो राइट वाली सामने को बिल्डिंग है, मुझे उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचना होगा फटाफट से, वहीं पर हो सकते हैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं चुपचाप सभी सिक्योरिटी से बचता हुआ पहुंच चुका हूं बिल्डिंग नंबर 7 पे, जहां पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब एक बार पुलिस ने मेरे को पकड़ के बंद करा था तो वो लोग मुझे भी यहीं इसी बिल्डिंग के अंदर लेकर आए थे। फिलहाल अभी मुझे पता डर क्या लग रहा है, हो सकता है अंदर कुछ प्रिजन गार्ड्स हो और कुछ ऐसे प्रिजनर्स हो जिन्हें, वेट, मैं सोच रहा था कि इस टाइम पर सारे सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब जिम चल रही है, ये बंदा रात में जाकर बॉडी बना रहा है, नाइट लगा रहा है भाई, लेट्स गो। फिलहाल हाँ, मैं ये कहने चाह रहा था कि इधर ना कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी हो सकते हैं भाई जो हमें मारने पीटने के लिए आ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आधी लड़ाई हुई थी किसी एक बहुत खतरनाक गुंडे ने मुझे मारा, तो ये प्रिजन गार्ड को यहाँ पर किसी ने लग रहा बहुत ज्यादा बुरी तरह पीटा है, और पक्का वो बंदा यही है। भाई साहब मेरे को लग रहा है इसको मार पीट के सो गया है अपना यहाँ पर। फिलहाल हाँ, मेरे को इनसे मतलब नहीं है, मुझे भी जल्दी से ट्रेवर इन फ्रैंकलिन को ढूंढना है। एक बार यहाँ पर अंदर चल के देखता हूँ, वेट, यहाँ पर तो कोई और, भाई कोई तमीज ही नहीं है सोने के, इतने मस्त मस्त इनको बेड दे रखे, लेकिन एट दिन इन्हें सोना जमीन पर ही है, उसको देखो भाई कैसे सो रहा है अंदर। फिलहाल यहाँ पर है क्या ट्रेवर, नहीं यहाँ पर सच में ट्रेवर फ्रैंकलिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। एक बार इसके अंदर दो लोग हैं, क्या पता यहाँ पर हो ट्रेवर और फ्रैंकलिन, वेट यहाँ पर चल के देखता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी ट्रेवर फ्रैंकलिन नहीं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने बिल्डिंग नंबर 7 को पूरा का पूरा चेक कर लिया है, एक एक प्रिजन सेल मैंने ओपन करके देखे, बट ट्रेवर और फ्रैंकलिन मुझे उसके अंदर नहीं मिले। फिलहाल यहाँ पर और भी काफी सारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 8, बिल्डिंग नंबर 9, हो सकता है ट्रेवर फ्रैंकलिन इसके अंदर हो, बट वहां तक जाना भी सचमुच में काफी ज्यादा रिस्क है। फिलहाल सामने कैंटीन है, मैं एक बार ना इसके अंदर चल के देख लेता हूं, क्या पता ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन वहां पर रात में कुछ खाना खाने के लिए गई हो, क्योंकि ये शायद से पूरी रात ओपन रहती है। बट वेट, यहां पर एक प्रिजन गार्ड है, चुपचाप से ना इसके स्टन गन बजा देता हूं, ये अपना बेचारा झटका खा के डाउन हो जाएगा, और अभी मैं इजीली अंदर जा सकता हूं। पहले गन अंदर रख लूं, क्योंकि मेरे को ना खाली किसी के पंगे में फंसना नहीं है। बाकी यहाँ पर कोई प्रिजन गार्ड नहीं है, इधर बस शेफ है। बाकी गाइस, मुझे नहीं लगता कि ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन इस कैंटीन के अंदर है, अभी मुझे कहीं और ही जाना होगा यार उन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए। वेट, ये ट्रेवर मुझे यहाँ पर मारने के लिए आ चुका है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। भाई इसने रख के हमें एक डंडा मार दिया, वो भी सर पे। भाई इस टाइम माइकल की हालत सचमुच में काफी खराब हो गई है। गाइस मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी ढंग से बात होने वाली है, ये दोनों लोग इस टाइम पर फुल मेरे को मारने के मूड में आए हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब से प्रिजन के अंदर एंटर हुआ ना ये तब से ही मेरा पीछा कर रहे थे। अभी भाई साहब मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं अभी इनके एक हाथ बचा दूं। वेट, अभी ये फ्रैंकलिन की तो अकल को ठिकाने लगानी पड़ेगी, चल मार। एक सेकंड भाई, वेट, ये भी बहुत ज्यादा ही पूरी तरह मारने वाले भाई, डंडे डंडे। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ एक बार साइड आ जाऊँ, ये लोग एक बार आराम से बैठ के बात कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, इनको भाई सिर्फ डंडे बजाने, अपनी पुरानी दुश्मनी पूरी करनी है। भाई पूरा चक्कर आ गया भाई इस टाइम पर माइकल को। अभी रुक जाओ, बहुत हो गया भाई, अब मैं भी मारने वाला हूँ। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार हमें इनसे मदद चाहिए, तो मैं ना मारूँ, ट्रैवर के भी मैं रख रख के मारने वाला हूँ, मुंह पे मुख्य, बट ले तेरी भैंस की, तू मारेगा मेरे को, ले। तो यार अभी ना फ्रैंकलिन सचमुच में बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुका है, और इस टाइम इसने
मेरे वापस से फेस पे स्टिक मार दिया है और ये ड्राइवर भी अभी मुझे मारने के लिए आ चुका है यहाँ पर। यार अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जैसे उठने का ट्राई कर रहा हूँ ये ड्राइवर वापस आके मुझे किक कर दे रहा है। अगर एक बारी मैं गलती से उठ गया ना कसम से इन दोनों लोग की मैं बैंड बजा डालूंगा। मेरे पास स्टन गन है और अगर अभी मुझे अपनी बात बतानी है तो करना ही पड़ेगा। एक तो यार मैं इन दोनों लोग को प्रिजन से बाहर निकालने में लगा हुआ हूँ और ये है कि भाई मेरे को ही मारे जा रहे हैं। बट वेट अभी इनका बहुत हो गया। मैं ट्रैवर के भी स्टन गन बचाने वाला हूँ और साथ ही फ्रैंकलिन के भी मैंने स्टन गन बचा दिया है क्योंकि सीधी सी बात है यार अगर इनको मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा तो फिर हम लोग अपनी पैसिफिक बैंक में हाइस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और वेट भाई साहब इसको बड़ी जल्दी हो जा रहा है। वापस से मैंने इसको लिटा दिया। उठ अब उठ तू। वेल तो भी यार फिलहाल मैंने ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन को मार पीट के पूरा का पूरा प्लान समझा दिया कि मैं इस प्रिजन में इन लोग से फाइट करने नहीं आया हूं, उल्टा मैं तो इनको यहां से एस्केप करवाने के लिए आया हूं। और ये लोग भी अभी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग की वही पुरानी वाली दोस्ती वापस आ चुकी थी इनकी। हम लोग पहले चुपचाप इस प्रिजन से बाहर निकलेंगे। अपने पास पूरी की पूरी टनल है जिस टनल के बारे में जब इन्हें पता चला तो सचमुच में काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं और ये रेडी है हमारे साथ पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करने के लिए। बट पता प्रॉब्लम क्या है? फ्रैंकलिन कह रहा है कि 50% पैसा उसे चाहिए और ट्रैवर कह रहा है बाकी 50% उसे चाहिए। पर मुझे क्या मिलेगा? खैर छोड़ो मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को तो वो बस आर्ट चाहिए जिस आर्ट को हम लोग को उस बंदे को ले जाके देना है और फिर वो हमें बेगुनाह साबित कर देगा। बाकी ऊपर एक गार्ड चल रहा है, भाग के चलना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। यहाँ से साइड साइड से जल्दी से निकलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यार इन लोगों ने ना मार मार के पैर की हालत कुछ ऐसी कर दी कि मैं अभी तेज भाग भी नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम तीनों लोग भाग कर जा रहे हैं सीधा टनल के लिए और फिर सीधा निकलेंगे लॉस सैंटोस। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रिजन का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो जितना कम टाइम है उतने कम टाइम से फटाफट निकल लिया जाए। अपनी जो टनल की एंट्रेंस है वो यहीं पर शायद राइट साइड में थी अगर मैं गलत नहीं हूं। तो लेट्स गो। तो फाइनली एलिवेटर शाफ्ट ओपन हो चुका है, फ्रैंकलिन जा चुका है टनल के अंदर, ट्रैवर भी जा चुका है, फटाफट से हम लोग भी चलते हैं। भाई क्या मस्त एकदम चुपचाप से बढ़िया वाला एस्केप हो गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और वेट हम लोग भी इस लेटर पे चलते हैं और अभी हमें ना बहुत तेज भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि ये टनल सचमुच में बहुत ज्यादा लंबी है। भागते हैं फिर यार बिना किसी देरी के, हमें अभी जल्दी से जाके हाइस्ट भी करनी है। वहां पर लेस्टर हमारा वेट कर रहा है। मुझे तो चल के ये पता करना है कि आखिरकार प्लानिंग क्या है, कहीं मुश्किल है या फिर आसान है। भाई साहब टनल में सचमुच में बहुत ज्यादा अंधेरा है। बट अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास टॉर्च थी एंड फाइनली हम लोग यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी ना एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढनी होगी ताकि हम फटाफट यहाँ से निकल ले। और पहले तो यार हमें ना इस प्रिजन से बहुत दूर जाना पड़ेगा। पता चला गार्ड्स जो है वो टावर से हमें देख रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ से भाग के गए हैं। तो बिना किसी देरी के वाली गाड़ी रोकते हो। भाई 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 अरे यार रुको रुको, एक गाड़ी हो रहा है सामने। बट हाईवे बिना सचमुच में गाड़ी रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरे पास स्टन गन है, मैं किसी बंदे को मार के गाड़ी रोक भी नहीं सकता। ट्रैवर इस मामले में बहुत तेज है भाई, जाके सीधा उसके बजा दी। अभी जल्दी से चलकर बैठते भाई गाड़ी में ट्रैवर ने, क्योंकि एक गाड़ी आराम से मस्त कब्जा लिया। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ चुका हूं, ट्रैवर फ्रैंकलिन आगे बैठ चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं सीधा लॉस सैंटोस जहां पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस से पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन के साथ में। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, हमें चोरी करने निकलना है 4 बजे। लेस्टर हमारा उस जगह पे वेट कर रहा है पूरा का पूरा प्लान बताने के लिए। जल्दी से अपनी गाड़ी जो है उस जगह पर लेकर चलते हैं। बाकी मैं नहीं ड्राइव कर रहा हूं इस टाइम पर, ट्रैवर ड्राइव कर रहा है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। वापस से काफी टाइम बाद हम तीनों जा रहे हैं कोई चोरी करने के लिए और ये शायद से लेस्टर का कोई नया सीक्रेट बेस है। बाहर बहुत खतरनाक कैमरा और बहुत खतरनाक लॉक लगा हुआ है जो कि शायद से हमारे लिए ओपन हुआ है। अगर और कोई आएगा तो शायद से वो नहीं ओपन होगा। फिलहाल अभी फटाफट से चल के हम लोग एक बार लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा प्लान क्या है इस चोरी को लेकर। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर किस तरीके से हमें पैसिफिक बैंक में हाइस्ट करनी है। बाकी यार सच बताऊं तो इसके प्लान के अकॉर्डिंग मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है। एक बार आप लोग सामने बोर्ड देखो, लेस्टर ने जो टनल बनवाई थी अंडरग्राउंड उस टनल के सामने इमेज है, वो टनल डायरेक्ट बैंक के वॉल्ट में जा रही है, मतलब जहां पर सारा का सारा पैसा रखा होता है। हम लोग सीधा वहां पर पहुंच जाएंगे उस टनल के थ्रू। बट वेट, वो टनल आखिरकार है कहां पर, इस जगह पे कहीं और है, वो लेस्टर ने अभी तक मुझे नहीं बताया और शायद से वही दिखाने के लिए। ओ चेरी भाई सब, लेस्टर यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इस हाइस को करने के मूड में है। उसने पूरा का पूरा छुपा रखा था इस जगह को और सारे का सारा सामान उसने हटाकर इस टनल को ओपन कर दिया है। भाई ये सचमुच में बहुत ज्यादा खतरनाक आइडिया है। अभी हमें इस टनल के अंदर चलना है बट उससे पहले आप लोग पूरा प्लान समझ लो। ट्रैवर भी हैरान हो गया, भाई ये चोरी तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो ये कुछ कपड़े हैं, लेस्टर ने बोला कि हम तीनों को यही कपड़े पहनकर जाना है, एक जैसे कपड़े। कुछ हमारे लिए अलग अलग फेस मास्क है जिससे हमारा पूरा फेस कवर रहेगा ताकि जितने भी सीसीटीवी वगैरह है उसमें हमारी फोटो ना आए। बाकी अगर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बैंक के अंदर तो ये हमारे लिए गाड़ी है जिससे हम लोग यहाँ पर बैठ के भाग सकते हैं वापस से। और ये गाड़ी की सबसे अच्छी बात है कि ये पानी में भी तैरती है, मतलब पानी में भी तैरती है, बोट की तरह चलती है पानी में। और उसके पीछे बहुत खतरनाक गन है और इसी टनल से हमें वापस आना है। खैर ठीक है, पूरा प्लान एकदम डन है। अभी फटाफट से हम लोग रेडी हैं हाइस्ट करने के लिए, बस कपड़े बदल लेते हैं तीनों लोग जल्दी से। लेट्स गो गाइस, तो भी हम तीनों लोग रेडी हैं इस चोरी को करने के लिए। हम लोगों ने अपनी आउटफिट चेंज कर लिया है, अपने फेस पे बहुत ज्यादा खतरनाक सा मास्क लगा लिया है। बाकी हम तीनों के पास ये एक बैग है जो कि लेस्टर ने दिया है। इन सब के अंदर हमें पैसा तो भर के लाना ही है पर साथ के साथ इन सब में एक ड्रिल मशीन जो कि बैंक का वॉल्ट ओपन करने में काम आने वाली है और साथ ही कुछ उसने वेपन्स दिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी हेल्प करें।
करें, और साथ में है कुछ स्टिकी बॉम्ब्स जो कि बहुत सारे लॉकर्स तोड़ने में काम आएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, और अब होने वाला है भाई असली तमाशा जिसके लिए हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। अगर एक बार ये हाई सक्सेसफुली हो जाती है तो फिर सचमुच में अपने मजे आ जाएंगे। बाकी अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन उतर कर आ चुका है, ये रेड वाला फ्रैंकलिन है, एंड ये जो ब्लू मास्क वाला है ये ट्रेवर है। मतलब अभी हमें एक दूसरे को अगर पहचानना है तो हम अपने मास्क के कलर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक दूसरे को कोई नहीं देख पाएगा। फिलहाल ये टनल शायद उतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए जितनी प्रिजन वाली टनल है। बाकी यहाँ पर अच्छी चीज है कि लाइट्स लगी हुई है, इतना अंधेरा नहीं है जैसे वहां पर था। फटाफट से भाग के चलते हैं, अभी देखो रात के 4 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे बैंक ओपन हो जाएगा, तो हमें फटाफट से 1 घंटे के अंदर ही चोरी कंप्लीट करनी है। बाकी इन लोग को भी यहीं पर रुकने के लिए बोल देता हूं, हमें कवर लेना होगा क्योंकि मेरे को यहां पर चल के ना बॉम्ब लगाना है। तो फटाफट से मैं इधर आराम से एकदम बॉम्ब प्लांट कर देता हूं, एक बॉम्ब शायद से बहुत रहेगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा और सीधा वॉल टूट जाएगी और हम लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे। मैं यहां पर कवर ले लेता हूं, बट वेट, मेरे को देखना भी है कि बॉम्ब कैसा ब्लास्ट हो रहा है। लेट्स गो, एक ही बार में बॉम्ब पूरी टूट चुकी है। जल्दी से हम लोग चलते हैं बैंक के अंदर, अपनी गन मेरे को बाहर निकाल लेनी चाहिए। वो भाई साहब कितना ज्यादा इजी लग रहा है यार बैंक के अंदर आना, वो भी सीधा उस जगह पे जहां सारा का सारा पैसा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने इस बैंक के वॉल्ट को ओपन कर दिया अंदर वाली साइड से, और यहां से ओपन करने के लिए हमें कोई भी की वगैरह की जरूरत नहीं थी, कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ा। बाय द वे, अभी ना हम लोग चलते हैं इस दूसरी वाली साइड पे, और ट्रैवर को हमने वो वाली साइड को लूटने के लिए बोल दिया है। फ्रैंकलिन और मैं जाएंगे इस वाले वॉल्ट के अंदर, क्योंकि असली पेंटिंग, असली सारा का सारा खतरनाक पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। बट हां, वहां पर जाने से पहले मेरे को इसमें यूएसबी लगा के इस पासकोड को भी हैक करना होगा, ताकि मैं इस वाले वॉल्ट को इजीली हैक करके ओपन कर सकूं लेस्टर के थ्रू। ऑल डन गाइस, तो हैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और दरवाजा ओपन हो चुका है। फटाफट से चलते हैं अभी हम लोग अंदर। और वे गाइस, ये देखो, एक वॉल्ट के बाद यहां पर एक कोर वॉल्ट है, और इस वाले वॉल्ट को हम लोग इतनी इजीली ओपन नहीं कर सकते हैक वगैरह करके, इसीलिए लेस्टर ने हमारे साथ भेजी थी ड्रिल मशीन, ताकि इसका जो लॉक है ना उसको हम लोग प्रॉपर्ली मेल्ट करके इसे ओपन कर पाए। वैसे ये एक ड्रिल मशीन नहीं है, ये एक टाइप से लेजर है जो कि इस लॉक को पूरा बर्न करेगी। तो फटाफट से बर्निंग स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 डिस्क है, मुझे यहां पर लेजर का एकदम प्रेशर बढ़ाकर एक डिस्क को यहां पर तोड़ना है। जैसे एक मेल्ट कर दी, अब ये दूसरी वाली शायद थोड़ी बहुत टाइट है, ये बिल्कुल हीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहां पर दिखा रहा है अगर मैं 960 डिग्री से ऊपर जाता हूं तो शायद, ओ मेरे को टेस्ट करना ही था। और ये देखो 960 से ऊपर जाते ही अपना जो ये है फेल हो जाएगा, तो मुझे दोबारा से ट्राई करना है, और इस बारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ड्रिलिंग में। वैसे गाइस यार, मैं इस चीज को ड्रिलिंग क्यों बोल रहा हूँ, ये तो एक टाइप से मतलब लेजर कट है, हम लोग सारी प्लेट्स काटने वाले हैं लेजर के थ्रू। ओके गाइस, तो फाइनली मैं पूरी की पूरी 5 प्लेट्स कट कर चुका हूँ इस लॉक की। अब बची है ये एक लास्ट प्लेट, जो कि सचमुच में इन बाकी 5 से बहुत ज्यादा हार्ड है। फिलहाल इस काम में सचमुच में काफी ज्यादा टाइम लग गया, और अभी हमें जल्दी से पेंटिंग चुरा कर यहाँ से निकलना है। इधर मेरे सबसे पैसा बहुत होगा, बट हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेनली जिस पेंटिंग को लेने के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा मुझे बस वही चुरा यहां से निकलने है। फिलहाल ये वाली पेंटिंग कटने वाली है, लेट्स गो। 1, 2, 3 हो जाए यार, इसमें कसम से बहुत टाइम लग रहा है। ये देखो पूरी फुल स्पीड में हीट मारते हैं, एक बारी नीचे से कम करी लेजर की। ओके, शायद मैं काफी देर से गलती कर रहा हूं, मेरे को ना लेजर पहले थोड़ी सी पतली रखनी है, उसके बाद फुल ब्रॉड करके फेंकनी है, और ये जो लेजर है कट हो जाएगा। लेट्स गो। तो फाइनली पूरा का पूरा जो लॉक है वो इस टाइम पर टूट चुका है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं बैंक के अंदर सारा का सारा पैसा, सारा गोल्ड, सारा डायमंड चुराने के लिए। लेट्स गो। ये वाला वॉल्ट भी ओपन हो गया, और सच में यार इसको ओपन करने में तो पूरी की पूरी बैंड बच गई अपनी। फिलहाल फ्रैंकलिन आ चुका है, ट्रैवर ने शायद अब तक वाली साइड पूरी लूट ली होगी, और यहाँ पर सच में बहुत सारा गोल्ड है। इस तरफ तो भर के कैश पड़ा हुआ है, बट ये जो लेफ्ट वाली साइड है यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, और इधर भी काफी सारा कैश है। ठीक है, तो भी फटाफट मेरे को ना यहाँ पर जितने भी लॉक है इन सब पे मेरे को स्टिकी बॉम्ब लगाने हैं, C4 जो हमें लेस्टर ने दिए थे सब पर एक साथ प्लांट करते हैं, फिर उन सभी को एक साथ ब्लास्ट कर देंगे, और फिर फ्रैंकलिन सारा का सारा गोल्ड लूटेगा। बट एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर ना अभी भी कहीं पर कोई पेंटिंग वगैरह नजर नहीं आ रही यार कसम से। मतलब अभी फ्रैंकलिन ये सब काम कर रहा है, सामने एक और वोल्ट है भाई, ये बैंक कितना बड़ा है भाई, कसम से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कम से कम 4th वोल्ट खोल रहा हूँ शायद से। अभी मेरे को इसे भी हैक करना पड़ेगा, इसकी भी यूएसबी लेस्टर ने मुझे दी है, तो फटाफट से इसको हैक करेंगे। बट पहले सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पैसा वैसा बटोर लिया जाए। फ्रैंकलिन ने सारे बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं, अभी चलना होगा मैं पीछे वाली साइड पे, क्योंकि इसको भी ब्लास्ट करेंगे तो हमारे कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। मैं आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी आ जाए, तो फिर फटाफट से हम लोग एक ही साथ बटन दबाएंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। मैंने बटन दबा दिया, मेरे बॉम्ब ब्लास्ट होकर फ्रैंकलिन के भी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर दोनों दरवाजे खुल गए। चल के फटाफट से जितना भी गोल्ड है ना ये सारा का सारा बटोर के अपने बैग में भर लेते हैं भाई। ये अभी भर भर के गोल्ड आने वाला है अपने बैग के अंदर। लेट्स गो। जितने भी गोल्ड के बार्स हैं यार सचमुच में मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं, तो ये मैंने पिकअप कर लिया। उधर फ्रैंकलिन अपना कैश फटाफट से पिकअप कर रहा है। फिलहाल अभी ये सारा सारा माल भर लेता है, मैं काम करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार इस वॉल्ट के अंदर जो पेंटिंग मैं लेने आया हूँ वो है या फिर आगे एक नया वॉल्ट और है, वो इसको ओपन करके पता चलेगा। तो फटाफट से इसको भी हैक करते हैं, यहाँ पर लगानी होगी पेन ड्राइव लेस्टर वाली, और ये 2 ही सेकंड में ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगा। लेट्स गो, लेट्स गो। तो फाइनली मैंने ये वाले वॉल्ट का कीपैड भी हैक करके इसको ओपन कर दिया है, और यार सचमुच में ये वाला वॉल्ट काफी ज्यादा स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है। वेट, मुझे अंदर एक पेंटिंग नजर आ चुकी है, और शायद से यही तो नहीं है वो पेंटिंग जो कि अपना वो लिबर्टी वाला बंदा मंगवा रहा था। बाकी ठीक है, हमारा काम है इसको अपने साथ लेकर चलना है, इसको लेकर चले। और 1 सेकंड,
पेंटिंग छोड़ो, यहाँ पर एक रूबी है यार, ये सचमुच में बहुत ज्यादा ही महंगा होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग इसी को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ग्लास हमने काटने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर एक तरीके से बर्न होगा और प्रॉपरली ग्लास जो है कट हो जाएगा, और सिर्फ उतना ही ग्लास हम लोग काट रहे हैं जितने में ये रूबी बाहर आ जाए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बाकी रेस्टर ने काफी सारे टूल्स हमें देके भेजे हैं जिस जिस चीज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी, और अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग इसे अभी फिलहाल नहीं चुरा पाते। अगर ठीक है, हमने कट कर दिया, ग्लास से हमने रूबी भी बाहर निकाल लिया है, लेट्स गो। अभी अभी फटाफट से चल के ना ये वाली जो पेंटिंग है इसको भी हम लोग काट के निकाल लेते हैं। इसके लिए ना मेरे को स्विच ब्लेड चाहिए होगा, फटाफट से काटते हैं। ये वाली पेंटिंग शायद से मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो यहाँ से मेरे को इसे प्रॉपर कट करना है, फिर यहाँ से डाउन की तरफ कट करना है। और यार इस तरीके से थोड़ी सी खराब होती है पेंटिंग, बट हाँ वो बंदा शायद दोबारा से फ्रेम करवा लेगा। चलो तो एक पेंटिंग मैंने काट कर निकाली है, फटाफट से जो दूसरी वाली पेंटिंग है मैं इसको भी फटाफट से कट कर देता हूँ। भाई पता नहीं आखिरकार इन पेंटिंग की कीमत बाहर कितनी ज्यादा होगी, हो सकता है ये मिलियन या फिर बिलियन डॉलर्स में हो और हम इसे खाली भी ले जाकर उस बंदे को दे देंगे। बट हाँ हमें फिर सेफ भी तो रहना यार, अगर एक बार इसने हमारा काम करा दिया तो फिर हम लोग चैन की लाइफ भी जी पाएंगे। बाकी ठीक है, पेंटिंग हमें मिल चुकी है, रोल करके फटाफट से इसे अपने बैग में हम लोग रखवा देते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पर डायमंड्स भी हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको भी लूट लूँ कि अभी हमें निकलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे थोड़े बहुत नहीं, देखो कितने सारे इधर डायमंड पड़े, ले लेता हूँ यार, मतलब थोड़ी से एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितना भी डायमंड है सारा उठा उठा के मैंने अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। तो गाइस यहाँ पर ये जितने भी डायमंड्स थे ना, ये सारे के सारे उठाकर मैं अपने बैग में बस भरता जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड और कैश हमें लूटने की जरूरत है, इन सभी डायमंड्स में अपना काम हो जाएगा यार। तो अभी यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आ चुका है और धड़ाधड़ भाई इसने भी डायमंड उठा के भरना शुरू कर दिया अपने इन बैग्स में। यहाँ पर एक लास्ट स्टोरी और बची है, फटाफट से इसमें से भी डायमंड्स बाहर निकालकर जल्दी जल्दी भरते हैं अपने बैग के अंदर। तो चलो गाइस अभी फिलहाल काफी अच्छी खासी चोरी हो गई है और शायद अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए वापस से अपने घर के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि जितना गोल्ड पड़ा है ये भी सारा का सारा ले चले, बट हमने बहुत सारा डायमंड चुरा लिया है और अपने बैग में भी ज्यादा जगह बची नहीं है। गोल्ड और कैश अगर उठाना है तो हमें सारा डायमंड फेंकना पड़ेगा। भाई साहब हम लोगों ने रातों रात इतने बड़े बैंक से इतनी बड़ी चोरी कर ली और किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़ी। फिलहाल अभी फटाफट से हम लोग इस लेटर्स के थ्रू ऊपर चलते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब बैंक वाले अपने बैंक पे आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चोर टनल बनाकर उनके बैंक में आए थे और उनका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक से दो घंटे में चुरा के ले गए, तो उन्हें सचमुच में बहुत ज्यादा दुख होगा। फिलहाल अभी ट्रेवर और लेस्टर यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि उनका सीन ये था, उन्हें बैंक की दूसरी वाली साइड का पैसा चुराना था, तो उन्होंने जल्दी से चुरा लिया, वो निकल लिए। हमारी वाली साइड पे काफी सारे लोग थे तो हमें टाइम लग गया, बट हाँ चोरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं, पैसा आधा आधा बांटेंगे। बाकी यार देखो जैसा कि मेरा प्लान था, पैसे के लिए मैंने ये चोरी नहीं करी थी, मेरे को ये था कि भैया वेट, ये चोरी मैंने वैसे करी तो अपने आप को बचाने के लिए थी, पेंटिंग के लिए चोरी करी थी, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पुलिस को हमारे बारे वेट, पुलिस तो भाई साहब यहाँ पर पहले ही पूरे के पूरे एरिया को घेर कर बैठे हुए। वेट वेट भाई साहब, पुलिस ने इस टाइम पर हमें चारों तरफ से घेर रखा है और अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जाना होगा। और फ्रैंकलिन ने तो भाई साहब इन सबके भर के बचा दिया है, ऊपर पुलिस के दो दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, मेरे को जल्दी से ना चल के ये वाली गाड़ी देनी चाहिए। ये गाड़ी लेस्टर ने हमारे लिए ही खड़ी कर रखी थी कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें यूज करनी है। इस गाड़ी के अंदर बहुत खतरनाक गन है, आप आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, किसी को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ना इन सबके मैंने भर भर के गोलियां बचा दिया है, मैं जल्दी निकाल गाड़ी, इसको लेकर चल, ये गाड़ी पानी में भी तैरती है। तो हमारा प्लान तो यह है कि भैया इस गाड़ी को ना जल्दी से जल्दी किसी नदी में या फिर किसी ओशन में लेकर जाया जाए। बाकी यहाँ पर एक बगल में गाड़ी मैंने ब्लास्ट कर दिया है, और भी आगे काफी सारे लोग हो सकते हैं। वेट भाई यहाँ पर तो सच में पूरी FI भी आ चुकी है यार, ये हमारे प्लान को लीक किसने करा? कहीं ये ड्राइवर और लेस्टर की प्लानिंग नहीं आ रहा, क्यों ही होगी यार, लेस्टर तो उल्टा हमारे लिए यार सब कुछ करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? बट मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग टनल के थ्रू निकले, सब कुछ इतना शांति से हुआ, तो फिर आखिरकार इसके बारे में किसी को पता कैसे चला? बाकी यहाँ पर मैंने एक हेलीकॉप्टर को गोली मार दिया है और हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो चुका है उस बिल्डिंग में। भाई निशाना बहुत तगड़ा तुम्हारे भाई का। बाकी गाड़ियों पे अभी भी गोलियां पड़ रही है, मतलब पीछे मैं हेलीकॉप्टर क्रैश कर दूंगा इसका, वेट अभी इसका हेलीकॉप्टर फोड़ नहीं होगा, गया पूरा हेलीकॉप्टर, मैं इसका ब्लास्ट कर दिया है। जल्दी से जल्दी निकलता है, टालो भाई गाड़ी, टालो सबकी गाड़ी फोड़ दूंगा मैं इस टाइम। गाइस अभी हम लोग शहर से तो बाहर निकल चुके हैं, बट यहाँ पर और भी सिक्योरिटी है, पूरे के पूरे स्वैट हमें मारने के लिए आ चुके हैं, बट इनकी गाड़ी मैंने ब्लास्ट कर दी। ऊपर हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना होगा क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाले बाकी भाई, खतरनाक गाड़ी है। अरे कौन नहीं हटा भाई इसको, इतनी छोटी गाड़ी चिपका लिया हमें रोकने के लिए। वैसे गाइस सचमुच में अपनी किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब है, पीछे दो हेलीकॉप्टर और आ चुके हैं। ओके तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे, रॉन्ग वे जा रहे हैं हम लोग, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं सबको मार मार के गिराने वाला हूँ मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह। वेल तो बिना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस से आ चुके हैं लॉस सैंटोस के हाईवे पे, क्योंकि ये जो हाईवे है ये डायरेक्ट जाता है सीधा ओशन के लिए। मतलब अगर हम लोग अपनी गाड़ी को पानी में ले जाएंगे एक बारी तो शायद से जो पुलिस वालों की गाड़ियां हैं, ये जो FIB वाली पुलिस स्वैट है, ये हमारा पीछा करने छोड़ देंगे। हाँ वो बात अलग है, हेलीकॉप्टर तब भी हमारे पीछे आने वाले हैं, बट फिर भी हेलीकॉप्टर से टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इन सभी को कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट करके डाउन कर सकता हूँ। एक सेकंड आने दो, अभी इनका ये जो हेलीकॉप्टर है ना ये पूरा मैंने ब्लास्ट कर दिया है। बाकी भाई फ्रैंकलिन की ड्राइविंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, बंदा ड्राइविंग करते करते पुलिस वालों को मार रहा है। ओह वेट
भाई साहब ये गाड़ी दोबारा ऐसे नहीं डूबनी चाहिए वरना मैं सचमुच में बहुत ज्यादा बुरी तरह गिर जाऊंगा। एक तो यार ये ना रोंगवे चला रहा है, इसलिए नहीं कि इसे बहुत तगड़ी आती है, ये रोंगवे इसलिए चला रहा है ताकि पुलिस वालों को हमारे हमें फॉलो करने में प्रॉब्लम आए। बाकी ठीक है, यहाँ पर ये गाड़ी और आ चुकी है, जितने लोग हैं मैं तो भाई अभी सबको ही धड़ाधड़ मारता जा रहा हूँ बहुत ज्यादा बुरी तरह। बाकी अभी सामने से एक गाड़ी और आ रही है, इसका टायर मारो मारो मारो, गए गए गए, दो लोग थे, दोनों ही दोनों को टपका दिया है। F5 व्हीकल यहाँ पर आई है और ये भी पूरी जा चुकी है, हमें कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोकनी नहीं है, बस जितने भी बंदे आ रहे हैं उन सबको टपकाते चलना है। बाकी ये टनल काफी ज्यादा सही है, एटलीस्ट ओ भिड़े मुझे मुझे, अबे यार ये हम जितना ज्यादा भिड़ेंगे ना मेरे उतने ही ज्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर मैं गिरा तो फिर हमारा बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बाकी पीछे जो गाड़ी थी भर भर के गोलियां बचा दिया मैंने उसके अंदर, पर ना गाड़ी नहीं ब्लास्ट कर पाया और सारे के सारे पुलिस वाले तुम्हारा भाई सबको मार डाल रहा है। बाकी हाँ इस टनल के अंदर हमें हेलीकॉप्टर तो नहीं मारने वाला, एटलीस्ट चलो भाई चलो कोई नहीं बचेगा अभी हमसे। ओके तो अभी हम लोग टनल के बाहर आ चुके हैं और लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे हो वो पूरा का पूरा ओशन है, अब बस कुछ भी करके अपनी गाड़ी को पानी तक लेकर पहुंचना है। बाकी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर और आ चुका है और लगे हाथ में इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ, गया भाई पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, तो बस वो हमारे ऊपर ही आकर गिरने वाला था मुझे ऐसा लग रहा था, बट ठीक है हम लोग बच गए। एक हेलीकॉप्टर और मेरा पीछा कर रहा है, बाकी गाड़ी पानी में आ चुकी है और एकदम मस्त तरीके से तैर रही है जैसा कि लेस्टर ने हमें बोला था। अरे चले जा भाई क्यों खाली पीली मर के जाने वाले, वेट इसका मरने का मन है तो हम लोग इसको लेटा ही देते हैं, ले गया भाई पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका है और अभी शायद से पूरा मामला शांत हो गया है। हम लोग बिल्कुल शहर से बाहर वापस आ चुके हैं, अब मुझे ये आइडिया नहीं कि ये गाड़ी लिबर्टी सिटी तक पहुंचेगी या फिर नहीं। फिलहाल गाइस अभी हम लोग लॉस एंड्रोस वापस नहीं जा सकते, हमें लिबर्टी सिटी निकलना पड़ेगा। बट हाँ यार मुझे ना अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही है कि पुलिस को आखिरकार प्लान के बारे में मालूम कैसे पड़ा, सिर्फ हम चार लोग जानते थे, तो हो सकता है हम चारों में से किसी एक ने ये बात लीक करी हो, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फिलहाल अभी लिबर्टी चलकर उस बंदे को पेंटिंग पकड़ाते हैं, देखते हैं वो हमारी हेल्प करता है या फिर नहीं करता, और अगर करता है तो कैसे करता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या माइकल दोबारा अपनी पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड आई नो इस बारी वीडियो काफी